नमस्कार दोस्तों। मार्गशीर्ष अमावस्या नवंबर में कब है? 30 या 1 दिसंबर 2024 में अघन माह की जो अमावस्या, पितृ अमावस्या भी कहा जाता है इसको, कहते हैं कि पितृ कार्य अमावस्या के नाम से भी जाता जाता है और पितृ कार्य अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अघन माह की शुक्ल पक्ष की अमावस्या बहुत ही खास अमावस्या होती है। इस दिन पितरों का दान दर्पण किया जाता है, पिंड दान किया जाता है, अपने पितरों के लिए भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना आप कर सकते हैं और साथ ही पीपल देवता की पूजा अर्चना आराधना जरूर की जाती है। अगर इस दिन करते हैं आप अपने पितरों के लिए दंड पर, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। यही साक्षात किसी ब्राह्मण को भोजन कराना। इसके साथ जानेंगे कि पितृ कार्य अमावस्या कब है, 1 दिसंबर को है या 30 नवंबर को। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मचा हुआ है और किस कंफ्यूजन को दूर करेंगे आज जानेंगे कि अमावस्या की जो तिथि है वो 30 नवंबर रात को 10:29 से प्रारंभ होगी। यही उदय तिथि के अनुसार 31 दिसंबर को इसका समापन होगा, जो कि 11:00 पर समापन होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को पितृ कार्य अमावस्या का मुहूर्त रहेगा, स्नान दान पूजा का समय रहेगा। इसमें गंगा जी में स्नान करना, अपने पितरों को दर्पण करना, दान करना, पिंड दान करना और किसी गरीब को या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना बेहद खास माना जाता है और मार्गशीर्ष महीने में तो ये करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इसका शुभ मुहूर्त आप देख रहे हैं कि पितृ कार्य अमावस्या कितनी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ हिंदू धर्म के अनुसार और पंचांग के अनुसार 1 दिसंबर को पितृ कार्य अमावस्या का मुहूर्त रहेगा, समय रहेगा। आप सारी जानकारी आप झलक दानी चैनल पर देख सकते हैं और किस समय आपको पूजा करनी है, किस समय दान करना है, स्नान करना है। जय माता दी।